हे गाइस, दिस इज शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक स्टडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है कोहेजन। ठीक, तो पहले जानते हैं कि कोहेजन होता क्या है। किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए हमें जो है कोहेजन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होता है वो जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी डिज़ाइन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी जो है वो उतनी ही ज़्यादा बेटर हो जाएगी, उसकी जो डिमांड है वो उतनी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होती है उसको एनालाइज करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे पहला प्रोसेस है कोहेजन, सेकंड है कपलिंग, थर्ड है फैक्टरिंग। ठीक, तो ये एक्सेट्रा, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को एनालाइज कर देते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक होता है वो कोहेजन है। कोहेजन क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को एनालाइज करने के लिए एक प्रोसेस है। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या होती है? क्वेश्चन एक मेजरमेंट है जो कि हमारे मॉड्यूल के एलिमेंट के बीच की इंटरडिपेंडेबिलिटी की डिग्री को डिफाइन करता है। इट मींस क्वेश्चन क्या होता है कि क्वेश्चन एक हमारी ऐसी मेजरमेंट है जो कि ये बताता है कि जो मॉड्यूल के एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बीच का उनका रिलेशनशिप कितना है या किस तरह का रिलेशनशिप उनके बीच में है, उनके रिलेशनशिप की डेप्थ कितनी है। ये सारी जो जानकारी होती है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहां से मिलती है? कोहेजन से मिलती है। ठीक, देन हमारा कोहेजन क्या करता है कि कोहेजन जितनी ज्यादा अधिक होगी किसी भी सॉफ्टवेयर डिजाइन में, किसी भी मॉड्यूल में कोहेजन जितना ज़्यादा होगा उसकी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, और कोहेजन जितना ज़्यादा होगा मॉड्यूल के बीच की कपलिंग उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये इन शॉर्ट में क्या होता है, कोहेजन हमारी एक ऐसी मेजरमेंट है जो कि हमारे मॉड्यूल के एलिमेंट के बीच की रिलेशनशिप को बताती है, उनके रिलेशनशिप की डेप्थ को बताती है। ठीक, देन देखते हैं कि टाइप ऑफ कोहेजन क्या होता है। तो टाइप ऑफ कोहेजन क्या होता है कि देयर आर 7 टाइप ऑफ कोहेजन। ठीक, पहला क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक, तो देयर आर 7 टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट हमारा कॉन्सिडेंटल क्वेश्चन। ठीक, सेकंड है हमारा लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक, थर्ड है हमारा टेम्पोरल क्वेश्चन। देन फोर्थ है हमारा प्रोसीजरल क्वेश्चन। फिफ्थ है हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेसर। कम्युनिकेशन कोहेजन। देन सिक्स्थ है हमारा सिक्वेंशनल एंड लास्ट है हमारा फंक्शनल कोहेजन। ठीक, तो ये हो जाते हैं हमारे 7 टाइप ऑफ कोहेजन। पहला क्या हो जाता है हमारा कॉन्सिडेंटल कोहेजन। कॉन्सिडेंटल कोहेजन क्या होता है कि ये सबसे जो है मिनिमम लेवल का कोहेजन होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो हमारी एलिमेंट्स के बीच की बॉन्ड होती है या एलिमेंट्स के बीच की रिलेशनशिप होती है इसमें नहीं होती है। इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारे प्रोग्राम्स रहेंगे उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ देते हैं और तो अब उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा कॉन्सिडेंटल कोहेजन। कॉन्सिडेंटल कोहेजन में क्या होता है कि हमारा मिनिमम लेवल का कोहेजन होता है। इसमें जो होती है मॉड्यूल के एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो नहीं होती है। ठीक, और ये क्या होता है कि इसमें बड़े बड़े प्रोग्राम्स को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ देते हैं और देन इसको सॉल्व कर देते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारा लॉजिकल कोहेजन। लॉजिकल कोहेजन में क्या होता है कि इसमें जो हमारी मॉड्यूल के एलिमेंट्स के बीच की रिलेशनशिप होती है और इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स जो है वो एक ही जो लॉजिकल क्लास के फंक्शन पर परफॉर्म करते हैं। यानी कि लॉजिकल कोहेजन में क्या होता है कि जो भी मॉड्यूल के एलिमेंट रहेंगे वो एक ही क्लास के सभी फंक्शन पर परफॉर्म करेंगे।
देन क्या होता है हमारा टेम्पोरल क्वेश्चन। टेम्पोरल क्वेश्चन क्या होता है कि सेम एज लॉजिकल क्वेश्चन ही होता है, इसमें भी मॉड्यूल्स के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशनशिप होती है, बट डिफरेंस बस इतना होता है कि इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो एक ही टाइम पर सभी फंक्शन पर परफॉर्म करते हैं। मतलब इसको टेम्पोरल क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रेजेंट एलिमेंट जो है एक ही टाइम पर सभी फंक्शन पर परफॉर्म करते हैं और जो है सभी प्रोग्राम्स को प्रोसेस करते हैं, ठीक। तो इस वजह से इसको टेम्पोरल क्वेश्चन कहते हैं। प्रोसीजरल क्वेश्चन, प्रोसीजरल क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें जो है मॉड्यूल के एलिमेंट होते हैं उनका ग्रुप रहता है जो कि एक ही टास्क को पूरा करने के लिए सीक्वेंस में एग्जीक्यूट किए जाते हैं, इसलिए इसको प्रोसीजरल क्वेश्चन कहते हैं। इट मींस जो है हमारा जो भी एलिमेंट रहेंगे उसके ग्रुप्स को एक ही टास्क को पूरा करना है और एक ही टास्क को पूरा करने के लिए उसको सीक्वेंस में डिवाइड कर दिया जाता है और जिस सीक्वेंस में इसको डिवाइड किया जाता है उसी सीक्वेंस वाइज वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, इसलिए इसको प्रोसीजरल क्वेश्चन यानी कि प्रोसेस बाय प्रोसेस जो है इसमें होता रहता है, ठीक। देन आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन क्वेश्चन। देन कम्युनिकेशनल क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें जो मॉड्यूल के एलिमेंट्स का ग्रुप होता है और वो एक ही टास्क को पूरा करने के लिए सीक्वेंशियल में जो है एग्जीक्यूट होते हैं और इसमें ये होता है कि सभी एलिमेंट जो होती है एक ही डाटा पर एक ही इंफॉर्मेशन पर एक समय पर कार्य करती हैं। इट मीन्स कम्युनिकेशनल क्वेश्चन में ये होता है कि सेम लाइक जैसे कि हमने प्रोसीजरल क्वेश्चन में पढ़ा था कि इसमें जो एलिमेंट्स के ग्रुप होते हैं और वो एक ही टास्क को पूरा करने के लिए सीक्वेंशियल में एग्जीक्यूट होते हैं, इतना तो इसमें भी होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं एलिमेंट्स एक ही टाइम पर जो है इंफॉर्मेशन वो डेटा पर कार्य करती हैं, ठीक। ये हो जाता है, तो ये हो जाता है कम्युनिकेशनल क्वेश्चन। देन हमारा क्या जाता है सीक्वेंशनल क्वेश्चन। सॉरी ठीक, सिक्वेंशियल क्वेश्चन। सिक्वेंशियल क्वेश्चन में क्या होता है कि इसमें जो ये क्वेश्चन तब होता है कि जब हमारे मॉड्यूल के एलिमेंट्स को का एक ग्रुप होता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि एक जो हमारा एक एलिमेंट जिस प्रोसेस को कंप्लीट करेगा वो आउटपुट दूसरे प्रोसेस के लिए इनपुट का कार्य करेगा। इट मीन्स जो है इसमें कि सिक्वेंशियल प्रोसेस में क्या होता है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, जैसे कि एक्स से वाई जाता है वाई से जेड, तो एक्स यहाँ पे क्या होता है पहले ये प्रोसेस होकर वाई के पास जाएगा तो वाई के लिए जो एक्स का आउटपुट आएगा वो इनपुट का कार्य करेगा, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमें पहले प्रोसीजर के बाद आउटपुट मिलता है वो दूसरे प्रोसीजर का इनपुट का वर्क करता है, तो ये हो जाता है हमारा सिक्वेंशियल क्वेश्चन। लास्ट क्या जाता है हमारा फंक्शनल क्वेश्चन, ठीक। तो फंक्शनल क्वेश्चन में क्या होता है कि ये सबसे अप लेवल का क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही टाइम पर एक ही फंक्शन पर वर्क करते हैं, ठीक। मतलब फंक्शनल क्वेश्चन में ये होता है कि एक ही टाइम पर जितने भी एलिमेंट हैं वो एक ही फंक्शन पर काम करेंगे। देन ये होता है हमारा हाई और गुड क्वेश्चन और ये होता है हमारा लो एंड और बैड क्वेश्चन। तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ हाई टू लो क्वेश्चन। तो हाई हमारा क्या होता है फंक्शनल क्वेश्चन, यानी कि जितना ज़्यादा अप लेवल का क्वेश्चन होगा हमारी सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी और जितना लो टाइप का क्वेश्चन होगा हमारी सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी या उसकी क्वालिटी बेकार होगी, ठीक। तो यहीं पे हमारे क्वेश्चन एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन का टॉपिक खत्म होता है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो और इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।